स्टूडेंट्स बच्चे, हम एनिमी चैप्टर कर रहे थे। डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ वो सेंट टू अमेरिका। कहाँ भेजा गया था बच्चे उसे? अमेरिका में। किस चीज़ के लिए? फॉर स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, देन ही मेट, वो किससे मिला? हाना, आ ब्यूटीफुल गर्ल हाना। कहाँ पर? प्रोफेसर होम। दे फेल इन लव एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी दे केम बैक इन जापान। सो सदाओ फादर अरेंज देयर मैरिज इन ओल्ड जैपनीज कस्टम। देयर हाउस वॉज एट जैपनीज कोस्ट। ए सोल्जर, माउंटेड सोल्जर वॉज आउट एट देयर डोर। डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड टू हेल्प हिम और ट्रीट हिम, बट मेड सर्वेंट यूमी एंड गार्डनर वर अफ्रेड, डर गए थे। क्यों बच्चे? दे वुड बी अरेस्टेड, सो दे लेफ्ट दी होम। यहाँ तक हमने कर लिया था बच्चे, आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब डॉक्टर सदाओ और हाना किसका इलाज करेंगी बताओ बच्चे। ये डॉक्टर सदाओ है, ये हाना है, किसका इलाज करेंगे? वाउंडेड सोल्जर का, ठीक है। अब बच्चे मैंने बताया था कि डॉक्टर के लिए वाउंडेड व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा? पेशेंट रहेगा। वो दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है, तो इस तरीके से उन्होंने उसकी सहायता की। दे ट्रीटेड एनिमी सोल्जर, ठीक है बच्चे। किसने सहायता की थी डॉक्टर सदाओ की? हाना ने। तो अब देखिए क्या हुआ, आज से पढ़ते हैं अपने नई चीज। दे ट्रीटेड एनिमी सोल्जर, सारा रीड कर दिया बच्चे मैंने आपको, सारा पढ़ा दिया है अच्छे से। अब आज की वीडियो ध्यान से देखनी है। अब बच्चे घर छोड़ के कौन गया था? गार्डनर और यूमी, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से अ मैन केम, एक आदमी आया उनके घर पे। अ मैन केम टू डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ के पास, ठीक है। अब बच्चे डॉक्टर सदाओ के पास वो आदमी आया, वो कौन था, क्यों आया, ये सस्पेंस है। तो मैं आपको नई चीज़ बताता हूँ अब लेसन में। बच्चे जो आर्मी का हेड होता है ना, हेड, वो जनरल होता है। तो जनरल वॉज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाओ। एक जनरल था, वो क्या था? अंडर ट्रीटमेंट था। किसके? डॉक्टर सदाओ के। तो आपने लिखना है द जनरल वॉज, ये जनरल है सेना का, जापान की सेना का। तो आपने एक चीज़ लिखनी है, द जनरल वॉज अंडर ट्रीटमेंट। अंडर ट्रीटमेंट होता है बच्चे उपचार दिन, अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाओ, ऑफ डॉक्टर सदाओ, ठीक है बच्चे। अंडर ट्रीटमेंट क्या होता है? उपचार दिन। अब मैं पूछता हूँ बच्चे आपकी दवाइयाँ कहाँ चल रही हैं, तो आपके सर फलाने डॉक्टर के पास चल रही हैं, तो आप अंडर ट्रीटमेंट हो। किसके? उस डॉक्टर की। तो जनरल भी क्या था? अंडर ट्रीटमेंट था बच्चे। किसके? डॉक्टर सदाओ के। और वो आदमी आया था इन्फॉर्म करने के लिए, किसको? डॉक्टर सदाओ को, कि जनरल को आपकी ज़रूरत है। तो जनरल का ऑपरेशन हुआ हुआ था बच्चे, उपचार कर रहा था उसका डॉक्टर सदाओ। तो ये आदमी क्यों आया था? इन्फॉर्म करने, किसको? डॉक्टर सदाओ को, अबाउट जनरल हेल्थ, जनरल की हेल्थ के लिए इन्फॉर्म करने आया। अब बच्चे डॉक्टर सदाओ चल जाता है किसके घर पे? जनरल के घर पे। और हाना को कह देता है कि ध्यान रखना किसका? सोल्जर का। तो डॉक्टर सदाओ फ्रेंडली हो जाता जनरल से, काफ़ी सालों से इलाज चल रहा है उसका बच्चे। तो डॉक्टर सदाओ टोल्ड होल मैटर, सारी कहानी बताता है, होल मैटर टू किसको? जनरल को, कि भाई इस तरीके से एक सोल्जर आया मेरे घर पे और मैंने उसका इलाज किया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन वो एनिमी सोल्जर है। कहाँ का है बच्चे? कहाँ का बताइए? अमेरिका का, ठीक है। और आपको पता ही है अमेरिका एंड जापान वर ऑन वॉर, ठीक है। तो डॉक्टर सदाओ ने पूरा मैटर बता दिया किसको? जनरल को। अब जनरल कहता है बच्चे आपने काम तो अच्छा किया डॉक्टर साहब, लेकिन गलत है, ऐसे करते हैं अपने इसको मार देते हैं, किसको? एनिमी सोल्जर को। और आप नहीं मारोगे कहता, कुछ असिस्टेंस भेजूंगा मैं हथियारे, वो मार के चल जाएंगे। तो डॉक्टर सदाओ एग्री हो जाता है, कहता ठीक है, मैंने तो देशभक्ति कर ली, अपना डॉक्टर का फर्ज था निभा लिया, अब आप देखिए क्या करना है। तो जनरल सजेस्ट करता है उसे, किसको? डॉक्टर सदाओ को। क्या सजेस्ट करता है देखिए, जनरल सजेस्टेड
जब भी सजेस्टेड आता है बच्चे, तो सेकंड पार्ट में क्या आता होता है? शुड, जनरल सजेस्टेड, डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव क्या करता है? सजेस्ट करता है दैट द एनिमी सोल्जर या अमेरिकन सोल्जर वुड बी किल्ड, या शुड, शुड लगाइए, शुड हैव किल्ड, उसे मरवा देना चाहिए, शुड हैव किल्ड। दिखाई दे रहे ना बच्चे, किल्ड लिखा, आराम से देख लेना, शुड हैव किल्ड बाय प्राइवेट असिस्टेंस। असिस्टेंस इधर लिख रहा हूँ बच्चे मैं, असिस्टेंस होते हथियारे, क्या हथियारों से उनको मरा देंगे, किसको? एनिमी सोल्जर को। डॉक्टर ने अपना फर्ज पूरा कर दिया और कहते हैं मैं अपना फर्ज पूरा कर दूंगा, एनिमी सोल्जर को मार दूंगा। अब डॉक्टर सदाव एग्री हो जाता है और उस एनिमी सोल्जर को बाहर वाले कमरे में शिफ्ट कर देता है। अब देखेंगे बच्चे कल क्या होगा सोल्जर के साथ, ठीक है? कल हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, कल सैटरडे है, कंप्लीट हो जाएगा। संडे को आपकी गूगल मीट पे क्लास लगेगी, इसी लेसन की रिवीजन, ठीक है? इसी लेसन की रिवीजन होगी गूगल मीट पर संडे को, तो आप अच्छे से पढ़िए, इसको लिखिए और होमवर्क सेंड करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप कर देना बच्चे, शाम को मैं फ्री होते ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।